इतिहास के कुछ ऐसे विशालकाय जानवर जो कभी धरती पर राज किया करते थे। सबसे बड़ा सांप, दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम ही काफी बड़ा है। यह है टाइटेनोबोआ सेरेजोनेसिस। जरा एक ऐसे सांप के बारे में सोचिए जो इतना बड़ा और लंबा है जो कि डायनासोर को भी पकड़कर खा जाए। जी हाँ, ऐसा विशाल जानवर कभी सचमुच धरती पर था और इसे टाइटेनोबोआ या टाइटेनिक बोआ के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये जानवर 42 फीट या 12.8 मीटर तक लंबा हो सकता था और इसका वजन लगभग 1 टन होता था। माना जाता है कि टाइटेनोबोआ डायनासोर का शिकार करते थे क्योंकि इनका अस्तित्व 58 से 60 मिलियन साल पहले था। वैज्ञानिकों की माने तो मुमकिन है कि उस समय धरती पर इससे भी काफी बड़े सांप मौजूद रहे होंगे जिनके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है क्योंकि सांपों के कंकाल ठीक से जीवाश्म में तब्दील नहीं हो पाते। सबसे बड़ी छिपकली, ऐसी संभावना है कि मेगालिनिया नामक 26 फीट लंबी छिपकली लगभग 30,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में घूमा करती थी। इन विशाल जीवों का वजन 400 से 600 किलो के बीच था। ये 1 घंटे में लगभग 6 मील की रफ्तार से चलते थे जो मेगालिनिया को आज तक की सबसे बड़ी छिपकली बनाता है। दिलचस्प बात तो ये है कि वैज्ञानिकों के अनुसार मेगालिनिया जहरीली होती थी इसलिए बेहद खतरनाक भी थी, लेकिन ये इतने खतरनाक भी नहीं थी कि इंसानी शिकारियों का मुकाबला कर पाती। अध्ययनों से पता चलता है कि ये उस समय लुप्त हुई होंगी जब इंसान पहली बार ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। इसका मतलब इंसानों ने इसका खात्मा किया था। सबसे बड़ी शार्क, एक नाव जितने बड़े आकार के शार्क के बारे में सोचना किसी बुरे सपने जैसा लगता है, लेकिन ऐसा जीव सचमुच था। इसे मेगलोडॉन के नाम से जाना जाता था। मेगलोडॉन की लंबाई 59 फीट या 18 मीटर हो सकती थी, वजन 20 टन के आसपास। ऐसे शार्क का मुंह इतना बड़ा होता था कि ये एक छोटी नाव तक निगल सकती थी। 1909 में बेशफोर्ड डीन नामक एक शोधकर्ता ने मेगलोडॉन के जीवाश्म के अध्ययन के बाद पाया कि मेगलोडॉन के जबड़ों में एक वयस्क इंसान आसानी से समा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मेगलोडॉन का आकार इतना ज्यादा बड़ा होता होगा कि इसने मछलियों और दूसरे समुद्री जीवों को पूरी आबादी को खत्म कर दिया होगा। मेगलोडॉन को आज के समय की ग्रेट व्हाइट शार्क का पूर्वज माना जाता है जो दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक है। सबसे बड़ा डायनासोर, ये है एम्फीसीलियस। ये विशाल जानवर शायद धरती पर रहने वाला आज तक का सबसे बड़ा जीव था। शोधकर्ताओं के अनुसार एम्फीसीलियस जुरासिक काल में उत्तरी अमेरिका में बसा एक शाकाहारी जीव था जिसके जीवाश्म कोलोराडो, वायोमिंग और जिम्बाब्वे जैसी जगहों पर पाए गए। ये जीव लगभग 200 मिलियन साल पहले धरती पर था। इससे डायनासोर की गर्दन बहुत बड़ी होती थी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसका वजन लगभग 111 टन होता होगा और इसकी लंबाई 30 फीट या 10 मीटर के करीब होती होगी, मतलब कि इसका आकार किसी घर या छोटे ऑफिस बिल्डिंग जितना था। एम्फीसीलियस पेड़ पौधों पर निर्भर रहने वाला एक शांत विशालकाय जानवर था जिसके विशाल आकार की वजह से उसके प्राकृतिक तौर पर कोई दुश्मन भी नहीं थे और यही वजह थी कि सभी एम्फीसीलियस एक लंबी अवधि का जीवन जीते थे। सबसे बड़ा पक्षी, मिलिए एलिफेंट बर्ड से जिसे पृथ्वी के इतिहास के सबसे बड़े पक्षी के रूप में जाना जाता है। बता दें कि इसका इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 350 साल पहले ये पक्षी अस्तित्व में था। शतुर्ग मुर्ग जैसे दिखने वाले इस जीव की लंबाई 10 फीट या 3 मीटर होती थी।
इसका वजन 880 पाउंड या 400 किलोग्राम था। ऐसा माना जाता है कि इस पक्षी की कम से कम 4 प्रजातियां अस्तित्व में रही। ये विशाल पक्षी 17वीं शताब्दी के मध्य में लुप्त हो गया और यह लगभग वही समय था जब यूरोपीय समुद्री डाकुओं ने मेडागास्कर में बंदूकों का इस्तेमाल करना शुरू किया था। मतलब कि इंसानों के हाथ में बंदूकें आने के बाद इनका तेजी से शिकार किया गया और इनकी प्रजाति हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। सबसे बड़ा मगरमच्छ। अगर आपको वर्तमान समय के मगरमच्छ और घड़ियाल से डर लगता है तो मिलिए इनके पूर्वज सार्कोसुकस इम्पेरेटर से, जिनके मुकाबले यकीनन आज के मगरमच्छ और घड़ियाल बहुत मासूम लगेंगे। ये भयानक जीव दिखने में आज के समय के मगरमच्छ जैसे ही है, लेकिन इनका वजन 8 टन होता है। इनकी लंबाई 12 मीटर या 39 फीट तक होती है। हमारे लिए अच्छी बात है कि सार्कोसुकस इम्पेरेटर अब लुप्त हो चुके हैं। ये लगभग 112 मिलियन साल पहले ज्यादातर अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते थे। गौर करने वाली बात है कि इस बड़े सरीसृप के कई जीवाश्म सहारा रेगिस्तान से निकाले गए, जो दुनिया की सबसे सूखी जगहों में से एक है। जीवाश्म वैज्ञानिकों का मानना है कि सार्कोसुकस इम्पेरेटर डायनासोर का शिकार करते थे, क्योंकि ये छोटे शिकार से अपना पेट नहीं भरते थे। सबसे बड़ी वेल। वेल के पूर्वज 34 मिलियन साल से भी पहले धरती पर पाए जाते थे। ये हैं बेसिलोसॉरस। वर्तमान में पाई जाने वाली वेल मछलियों के विपरीत बेसिलोसॉरस के पास फ्लिपर होते थे, जो सील के समान थे। इनकी पूंछ लंबी होती थी। आमतौर पर बेसिलोसॉरस 40 से 65 फीट या 12 से 20 मीटर लंबे होते थे। पहली दफा जिन जीवाश्म खोजकर्ताओं ने इस जीव के अवशेष खोजे थे, उन्होंने गलती से इसे डायनासोर की कोई नई प्रजाति समझ लिया था। हालांकि बेसिलोसॉरस का पूरा कंकाल आज तक नहीं मिल पाया, जिसके चलते इनकी शारीरिक बनावट का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर